अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी बजे हैं सुबह के 3 और मैं उठी थी तहज्जुद नमाज़ के लिए। अच्छा, मैं ना अभी कभी भी अपनी जो नमाज़ों की ना तशहीर नहीं करना चाहती और ना ही मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इतनी इबादत करती हूँ, क्योंकि ये अल्लाह ताला का और इंसान का रिश्ता होता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है तो आप दूसरों से ज़रूर शेयर करें। कभी कभी अब ऐसा होता है ना कि हम दूसरों से कहते हैं कि जी हमारे लिए ये दुआ करो, हमारे लिए ये दुआ करो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर किसी ने भी अपनी लाइफ में तहज्जुद नमाज़ को ऐड कर लिया ना, तो आप यकीन करें आपको किसी से भी दुआ करवाने की ज़रूरत नहीं है। और आप जो अल्लाह ताला से आप जो जैसे जो मांगोगे अल्लाह ताला आपको वो देगा। और ये जी मेरे बादशाह हजूर जी बेड पे देखे आप कैसे सो रहे हैं, और ये ऐसे पूरे बेड पे घूम घूम के सोता है। और मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होती है कि कोई जगह जो है मेरे लिए बच जाए, और जहाँ मेरे लिए कोई जगह बच जाती है तो मैं भी अपने आप को एडजस्ट कर लेती हूँ। और मैंने अल्लाह ताला से जो चाहा है ना, वो अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना वो दिया, और अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। अच्छा जी, मैं एक दिन पहले का जो है ना क्लिप ऐड करूँ। यहाँ पे मेरी फ्रेंड की बेटी की बर्थडे थी स्कूल में, तो जी अल्लाह ताला जो है सब बेटियों के नसीब बहुत अच्छा करे। और ये इतनी प्यारी माशाल्लाह बेटी है, हैप्पी बर्थडे आयत, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मेरी जान। अच्छा, तो आज मैंने आपसे अपनी वीकेंड की कुछ रूटीन भी शेयर करनी है, और मैं हम डिस्कस करेंगे पोस्टमार्टम क्या होता है, मैंने इसको कैसे पाया था। और आप ये देखें, मैं मुझे हंसी आती है, पहले ना सारा दिन हम मैनुअल मशीन पे कपड़े धोती होती थी, और अब ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक मशीन पे भी ना मैं कपड़े डालते वक्त भी इतनी मौत पड़ जाती है कि बस कुछ ना पूछे। अच्छा, जब मूसा पैदा होने वाला था ना, तो मैंने क्या करना था, मैं सारा दिन वो गूगल पे ना हर मंथ के अकॉर्डिंगली चीज़ों को शेयर कर देखती रहती थी, और मैं समझती थी कि और मैं देखती थी कि मैं सारा ये वाला मंथ मेरा कैसा होगा, इस मंथ मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो मैं वही करती होती थी जो कि ना उसमें उसके अकॉर्डिंगली मंथ के अकॉर्डिंगली आता था, वही डाइट और वही सब कुछ मैं करती होती थी। अच्छा, मैं ना अब यहाँ पर मूसा जो है ना वो कर रहे हैं आंटी से कुछ बातें, और पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, मुझे खुद भी नहीं पता। और आंटी यहाँ पर कर रही हैं होम क्लीन। अच्छा, तो मैं आपसे पोस्टमार्टम की बात कर रही थी। तो जब मूसा मेरी डिलीवरी होने वाली थी, जब मूसा पैदा होने वाला था, जब मैं डिलीवरी हुई तो मुझे लगा वो अब तो मुझे पोस्टमार्टम होना है। अच्छा, मतलब कि मैंने अब ये कि मुझे हो क्यों नहीं रहा, मुझे डिप्रेशन क्यों नहीं हो रहा, और मैं ये वाला मतलब मैं कोई नॉर्मल हूँ, और मुझे मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, लोगों के साथ तो ऐसा होता था। मैंने अपने आप को मेंटली पूरा प्रिपेयर किया हुआ था इस चीज़ के लिए। ये शायद मैंने इस वजह से ये फेज़ नहीं गुजारा, क्योंकि मैं मूसा जब पैदा हुआ तो मैं इतनी खुश थी क्योंकि उसी खुशी में ही मैं इतनी अपने आप को मेंटली मतलब अपने आप को बिज़ी रखा हुआ था, तो मुझे लगता है मैंने चीज़ें फेस ही नहीं की इस तरह की ना। अच्छा जी, हाँ, लंच टाइम हुआ तो साथ साथ मैं ना लंच की प्रिपरेशन भी कर रही थी। और यहाँ पर मैंने भिंडी जो है ना, मैं ऐसा होता है कि जब भी सब्ज़ी आती है ना तो मैं उसको काट के फ्रीज़ कर लेती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि ना जो भिंडी को अगर हम फ्रीज़ कर लेना तो उसका कलर और उसका सब कुछ ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पर ये देखें कि ना तो उसका कलर ख़राब हुआ है और ना ही अभी मैं बल्कि इसको फ्राई करूँगी, तो आप देखिएगा फिर भी इसका जो है ना कलर जो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो जी, साथ साथ भिंडी को मैं फ्राई करके और इसका मसाला लूँगी, इसको मैं दम पर देती हूँ, साथ साथ हम बातें करते हैं। अच्छा, तो मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला जब आपको इतनी प्यारी नेमत और रहमत जैसी चीज़ों से नवाज, तो फिर इतनी इस किस्म की टेंशन और डिप्रेशन मेरा ख्याल है आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, और हमें अल्लाह ताला की इन चीज़ों की बहुत कदर करनी चाहिए। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ऐसे टैने मैने शहने सब कुछ दे, ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई फुर्सत ही ना मिले। हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा इस चीज़ का डिप्रेशन ज़रूर हुआ था कि मैंने ना फ़ौरन से मतलब जाना था जॉब पर, और मुझे बस ये टेंशन होती थी कि मैंने मूसा को छोड़ के जाना और किस तरह मैं मैनेज करूँगी चीज़ों को, और मैं मूसा को अपनी जॉब के साथ हैंडल कर लूँगी। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा इन चीज़ों में मुझे डिप्रेशन होता था, और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना इस तरह का कोई डिप्रेशन जो है वो फेस नहीं किया था। अच्छा जी, अब ये देखिए सारी भंडी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, तो यहाँ पर सारा मसाला डाल के मैंने डम पर दे दिया। और ये मैंने बनाया है मूसा के लिए छोटा सा पराठा, और इसका भी लंच टाइम था, मैंने सोचा था कि जल्दी इसको भी खाना खिला दूँ ताकि जो है ना उसे भी मैं फ्री हो जाऊँ। बस इसने लंच करने के बाद ही अपना दूध पीता है और फटाफट से सो जाता है। अच्छा, अब ये देखें मैं मूसा के साथ ना खेल का इसका टाइम चल रहा है, और उसको होता है कि मुझे प्रॉपर टाइम दे उसको। अच्छा, मूसा मतलब इस तरह का बच्चा नहीं कि मैं उसको मोबाइल देकर उसको साइड पर बिठा दूँ, ये टाइम मांगता है इसको मोबाइल में। कहाँ ये होता है कि हम साथ बैठते हैं, वो मोबाइल में थोड़ी पोएम देख लेते हैं, अदरवाइज उसको मोबाइल में सच कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, बस उसको होता है बातें करें, और उसको बातें करना बहुत पसंद है। आजकल वैसे भी हमें ना पूरे सेंटेंस जो है ना वो हमने सीख लिए हैं, तो बातें जो है ना वो हमारी बड़ी फेवरेट हैं। अच्छा, मैं ना अपनी एक मैम से कहती होती थी कि मैम मूसा जो है ना वो बड़ा नॉटी है, बड़ा तंग करता है, तो ना क्योंकि उनका एक बेटा मेरे पास पढ़ता था तो वो भी ऐसा शरारती होता था, तो वो मुझे कहती तौबा करो आयशा, अल्लाह ताला ने बादशाह दिया, तुम उसकी कनीज़ बन के ज़िंदगी गुजारो। मैंने कहा जी मैम बिल्कुल, अभी मैं कनीज़ बन के ज़िंदगी गुजारूँगी इंशाल्लाह, आगे आने वाले टाइम में मैं इसको बताऊँगी कि बेटा जी तुम्हारी मामा ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, तो अब मेरे लिए अब मेरा वसूली का टाइम आ गया, तो तुम जो है ना अब जो है अब मेरी बारी है। तो यहाँ जी शाम का टाइम हो गया, तो मैं मूसा के लिए बना रही थी फ्राइज़, और बस मैं शाम में इसको कोई ना कोई स्नैक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के देती हूँ। तो यहाँ आज इसकी फ्राइज़ की टर्न थी, तो
बस अभी मैं इसको फ्राइज़ बना के दूंगी। और बस आजकल मेरी अम्मी ये कहती हैं कि ना, अच्छा मुझे आपने बताना है कि आप में कौन कौन ऐसा कहता है। मेरी अम्मी ये कहती है कि बच्चों को ना अपने हाथ से खाने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब अपने हाथ से खाते हैं तो वो जल्दी ग्रो करते हैं। तो मैं कहती हूँ भाई अम्मी छोटा सा है, तो अम्मी कहती तुम लोग भी छोटे छोटे होते थे, मैंने ये आदत बिल्कुल भी नहीं डाली कि तुम लोगों को ना अब मैं अपने हाथ से खिलाऊँ, ताकि बच्चे को खुद हाथ से डालो खाने की आदत डालो, ताकि उसका पेट भी जो है ना वो जल्दी बढ़ता है। तो यहाँ जी मैं आजकल इसकी इसी प्रैक्टिस में हूँ कि बस ये जल्दी जल्दी अपने हाथ से खाना सीख ले। कभी कहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि मैं इसको सारा इसके हाथ पे जो हाल पे छोड़ दूँ कि खुद ही खाओ जी, लेकिन साथ साथ जो है ना कभी कभी मैं खुद भी खिलाती हूँ रात को, वैसे वो खुद भी खाने की कोशिश कर रहा है। बस मैं ये कहती हूँ कि ज़िंदगी में ना आप कोई ना कोई काम ज़रूर करें, अपने आप को फ्री ना करें, मेंटली लेवल पे आप थोड़ा सा ना अपने आप को बिज़ी रखें, शाम को अच्छा सा रेडी हो जाएं, बच्चों को लेके कहीं ना कहीं घूमने चले जाएं, कुछ भी आप ऐसा करें कि आपकी ज़िंदगी मसरूफ़ हो। क्योंकि अगर हम फारिग रहते हैं तो हमारा दिमाग जो है ना वो एक ही जगह स्टक हो जाता है, वो कहीं ना कहीं हमें हमारे माइंड में जो है ना वो ऐसी सोचें आती रहती हैं जिसकी वजह से हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो हमें जो है ना अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जो है ना वो ज़रूर करना चाहिए। हेलो जी, है वेको शौकियाँ और ये मेरी और मेरी मूसा की शौकियाँ, आप देख ले माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस जी हम शाम को ऐसा ही अपना टाइम गुजारते हैं, और ये जी रात का टाइम है। और अभी अगर रात को आपको कुछ भी समझ ना आए तो मैं कहती हूँ दाल चावल जो है ना बेस्ट ऑप्शन आपके पास, आप कुछ ना समझ आए फटाफट दाल चावल बनाए और ठक से जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं, और इसके बाद आप देखिएगा मज़े की दाल की मेरी शक्ल। और अच्छा जी, ये जी मेरा छोटा सा व्लॉग था, होपफुली आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस आपने अपनी ज़िंदगी में कोई डिप्रेशन टेंशन को शिकार नहीं करना, अपने अपनी ज़िंदगी में कोई इसको लेकर नहीं आना, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और अच्छा अच्छा टाइम गुजारें। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, बजाय के टेंशन लेने के और न देने के, और खुश खुश ज़िंदगी गुजारें। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।